नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडिटेरियन कुजीन के बारे में। मेडिटेरियन मेन्यू क्या होता है, मेडिटेरियन कुजीन क्या होती है, और ये मेडिटेरियन शब्द का मतलब क्या होता है। हम लोग यही सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। ये कलनरी कैंप का वीडियो है, काफ़ी समय से कलनरी कैंप की वीडियो नहीं आ रही थी, तो आई एम बैक फ्रॉम द वेस्ट बंगाल से मैं बैक वापस आ चुका हूँ दिल्ली में। तो फिर से हमारी जो कलनरी कैंप की वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो भी मेडिटेरियन शब्द है आप लोगों ने देखा होगा, मेडिटेरियन मेन्यूज़ की बात करते हैं हम लोग, मेडिटेरियन रेसिपीज़ की बात करते हैं, पर एक्चुअली में ये है क्या? तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मैं सिंपल ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। मेडिटेरियन का सबसे पहले मतलब होता है भूमध्य। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे सागर हैं हमारे, इंडियन ओशन हमारा है, उसी प्रकार से हमारा एक ओशन है जिसको कि हम लोग भूमध्य सागर बोलते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने कहीं ना कहीं भूमध्य सागर या भूमध्य रेखा का जरूर सुना होगा आपने। तो जो भी समुद्र है जिसको कि हम लोग भूमध्य सागर बोलते थे, उसका मतलब मेडिटेरियन होता है। और जो भी कंट्रीज़ इसके आसपास हैं, आजू बाजू में हैं, उन सब को हम लोग मेडिटेरियन कंट्रीज़ बोलते हैं। तो जो भी मेडिटेरियन कंट्रीज़ हो जाएंगी या होंगी उसके आजू बाजू में, उन सब के अंदर जो भी खाना बनेगा वो हमारा कहलाएगा क्या? मेडिटेरियन मेन्यू या मेडिटेरियन कुजीन। लगभग यहाँ पे 22 कंट्रीज़ करीब हमारे आते हैं। और यहाँ पे अगर मैं मेडिटेरियन शब्द की मैं बात करूँ, ये एक लैटिन के शब्द से बना है जिसका कि मतलब होता है मिडिल ऑफ द अर्थ, मतलब कि इस पृथ्वी के जो बिल्कुल बीच में है, जो भूमध्य सागर है, उसको मेडिटेरियन हम लोग बोलते हैं, इसलिए उसका नाम भी मेडिटेरियन सी पड़ा है। अब इसके अंदर जो फेमस कंट्रीज़ हमारे आ जाते हैं, जैसे कि हमारा ग्रीस है, हमारा स्पेन हमारा इसके अंदर आ जाता है, इटली हमारा इसके अंदर आ जाएगा, फ्रांस हमारा इसके अंदर आ जाएगा, इजिप्ट इसके अंदर आ जाएगा, मोरक्को इसके अंदर आ जाएगा, लीबिया इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी, आपका माल्टा, टूनेशिया, ये सारे के सारे कंट्रीज़ इसके अंदर आ जाएंगे। आप देखेंगे इसमें से कुछ कंट्री अफ्रीका से हैं और कुछ कंट्री यूरोप से भी हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये यूरोप से हैं या एशिया हैं। जो भी हमारा क्योंकि जो ये समुद्र है हमारा, वो आपके पृथ्वी के बिल्कुल बीच में है, तो बीच में है, और जो भी इसके आजू बाजू में जो कंट्रीज़ आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे मेडिटेरियन कंट्री के अंदर हो जाएंगे। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पे जो हमारा सुपर स्टार शेफ, ठीक है जी, उसके जो इनरोलमेंट्स हैं जिसमें कि आपको 9 घंटे की स्टडी मिल रही है, लेक्चर्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस पेपर्स मिल रहे हैं, और उन क्वेश्चंस पेपर की वीडियोस मिल रही हैं, जो कि हमने प्राइस बहुत ही कम रखा है, 99 रुपीज़। आप उसको इनरोलमेंट कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके इनरोल कीजिएगा। बाद में भी इनरोल कर सकते हैं क्योंकि ये चलता रहेगा, बट करंट में जो चल रहा है उसको ज्वाइन करने का मज़ा अपना ही अलग होता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर, जैसे मैंने बोला, कई सारे हमारे जो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट हो जाते हैं जो कि हमारी मेडिटेरियन कुजीन के ऊपर होते हैं, उनके अंदर क्या डिशेस बन रही होती है, उनके अंदर वही सारी डिशेस बन रही होती है जो इस कंट्रीज़ को बिलोंग करती है। जैसे कि हमारी पीता ब्रेड हमारी बन जाती है, ठीक है, पीता ब्रेड के साथ आप हमूस दे रहे होते हो, ताबुले हो गया, बाबा गनूज हो गया, ठीक है, मोसाका आप लोगों ने देखा होगा, एग प्लांट की डिश है। इसके बाद आपने ग्रीक सैलड देखा होगा जो कि फेटा चीज़ से हमारा बनता है, वो आपकी मेडिटेरियन कुजीन के अंदर बहुत ही अच्छा जाता है। जो ये ग्रीक सैलड है वो ग्रीस से बिलोंग करता है। इसके अलावा हमारे बखलावा एक करके डिज़र्ट होता है जो कि हमारी जो फिलो पेस्ट्री की शीट से बनता है, जिसके अंदर ढेर सारे नट्स होते हैं, हनी होते हैं, वो आपका बड़ा फेमस होता है। इसके अलावा डोलमाज हो जाते हैं, डोलमाज हमारे जो गोभी के पत्ते होते हैं उनके अंदर स्टफिंग करी जाती है, मीट की या वेजिटेबल की, सेम डोलमाज हम चाहें तो टमाटर या बैंगन से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैज़ा प्लेटर होता है जिसमें कि आप हमूस, ताबुले, बाबा गनूज छोटे छोटे पोर्शंस में पीता ब्रेड्स के साथ ऑलिव और ऑलिव ऑयल के साथ आप लोग देखे सर्व कर रहे होते हैं। फातूस इसमें आपका बना सकते हैं, पाइलिया राइस हम लोग इसमें बना सकते हैं। इवन अगर हम चाहें तो जो भी कंट्रीज़ मैंने बोला, चाहे मेरे फ्रांस से कुछ अगर मैं बोलूं तो मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूं अपने मेडिटेरियन कुजीन के अंदर। तो यही सारे खाना और यही सारे कंट्रीज़ हमारे मेडिटेरियन कुजीन के अंदर आती हैं। और कुछ अगर मैं फेमस इंग्रेडिएंट की बात करूं, तो जैसे कि हमारे ऑलिव्स यहां पे बड़े चलेंगे, ऑलिव्स हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया। इसके अलावा योगर्ट हमारे यहां बड़ी फेमस है, ठीक है जी, या फिर अगर मैं बोलूं चिक पीस हमारे हो गए, वो बड़े फेमस हो जाएंगे, हमारा पोलंता बड़ा फेमस हो जाएगा, लेंटिल्स यहाँ पे बड़े फेमस हो जाते हैं। तो यही सारे आप देखेंगे इंग्रेडिएंट यूज हो रहे होते हैं हमारी मेडिटेरियन कुजीन के अंदर। तो अब आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मेडिटेरियन अगर आपसे कोई बोले मेन्यू बनाने का, तो आप इन सब आइटम सिंपली समझ के अपने मेन्यू को क्रिएट कर सकते हो और एक प्रॉपर आंसर दे सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है मेडिटेरियन मेन्यू क्या होता है, मेडिटेरियन कुजीन क्या होता है, और मेडिटेरियन का मतलब क्या होता है,
इसके अलावा जो भी 22 कंट्रीज़ थे उनमें से कुछ कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, साथ साथ जो फेमस डिशेस थी उनके बारे में भी आपको पता चला है। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ नीचे जरूर लिखिएगा। और बाकी जो सुपरस्टार शेफ़ के एनरोलमेंट्स हैं, नीचे लिंक है, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।